बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में तो स्टेट हाईवे पर भी बाढ़ का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई। अपनी मोटरसाइकिलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक में तबाही का मंजर ये है कि आप देखिए, ये मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने वाली स्टेट हाईवे है और इस हाईवे पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहाँ के कई इलाकों में तो घुटने तक पानी दिखाई दिया। इस पानी में लोगों को पैदल चलने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। मुजफ्फरपुर की मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव भी अपने इलाके में लोगों का हालचाल लेने निकले। इस दौरान उन्होंने भी नीतीश सरकार से लोगों को राहत पहुंचाने की मांग की। नाव का व्यवस्था कर दे, जैसे भोजन का व्यवस्था है सही से भोजन कर दे। बाढ़ में गिरे लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। समस्तीपुर में एक बारात इसी बाढ़ के पानी में निकाली गई। दूल्हा नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा। यही नहीं, शादी के बाद वो अपने दुल्हन के साथ उसी नाव से अपने घर लौटा। कई दूसरे जिलों में भी बाढ़ लोगों के लिए आफत बन गई। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों के लिए हुए